ऐसा कुछ तो बोलेंगे विपक्ष, हम हमेशा कहते हैं विपक्ष का काम है विपक्ष कुछ बोलेंगे, पर इतना अच्छा अच्छा मंत्रालय मिला, ये उनका काम है कि वो इस तरह को देखते हैं कि कोई मंत्रालय छोटा है कोई मंत्रालय, अरे काम करने से मतलब है, कार्य करने से मतलब है। बिहार को इतना बड़ा गौरव मिला, इतने अच्छे अच्छे मंत्रालय मिले, इतना काम करने का स्कोप है, तो आपको लोकसभा का दावा याद नहीं है उनका? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, लगातार जो है प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है, और हम मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी एक कैबिनेट बर्थ मिला है। सभी एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता है, एनडीए के जितने भी तमाम नेतागण है, सब उत्साहित है, सब बहुत खुश है, और हम सबने कड़ी मेहनत की थी कि हम अपने प्रधानमंत्री को पुनः फिर से एक बार प्रधानमंत्री होते हुए देखें। वो हम लोग सबका अब मानते हैं कि मेहनत सफल हुआ, हमने जो परिश्रम किया था वो सफल हुआ है, और सब बहुत खुश है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार तो बना ली है एनडीए ने, लेकिन चलेंगे कब तक, बैसाखी पर है? ऐसा कुछ तो बोलेंगे विपक्ष, हम हमेशा कहते हैं विपक्ष का काम है विपक्ष कुछ बोलेंगे, पर हम मानते हैं कि बहुत सफल तरीके से और बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्वक हमने सरकार बनाया है, बहुमत की सरकार हम बनाए, ऐतिहासिक है, तीसरी बार प्री पोल अलायंस में हम सरकार बना रहे हैं, तो हम मानते हैं कि इसमें कोई भी कहीं भी संदेह नहीं है कि मतलब आगे चल के सरकार नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, हमारे सारे अलायंस पार्टनर्स इंटैक्ट हैं और हम सब उत्साहित हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, सिर्फ झुंझुना थमा दिया, नहीं उनका कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा है कि जो भी मंत्री पद मिलना चाहिए था नहीं मिला, झुंझुना दे दिया। तो आप ही बताइए विपक्ष कुछ तो बोलेगा, अगर ऐसा ही होता तो कुछ ना कुछ तो और बातें होती, विपक्ष का काम है बोलना, हमें इतना अच्छा अच्छा मंत्रालय मिला, ये उनका काम है कि वो इस तरह को देखते हैं कि कोई मंत्रालय छोटा है कोई मंत्रालय, अरे काम करने से मतलब है, कार्य करने से मतलब है। बिहार को इतना बड़ा गौरव मिला, इतने अच्छे अच्छे मंत्रालय मिले, इतना काम करने का स्कोप है, सब में काम होगा और हम सब बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। अगले साल बिहार विधानसभा को लेकर के तेजस्वी यादव बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 19 में 0 सीट आई थी तो सबसे बड़ी पार्टी थे, अब 4 सीटें आई है तो सरकार बनेगी हमारी अगले साल, तो आपको लोकसभा का दावा याद नहीं है उनका? फिर सब प्रश्न नहीं होता। पप्पू यादव सांसद बनते ही उन पर FIR दर्ज हुई है, रंगदारी का FIR दर्ज हुई है, कैसे देख रहे हैं? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।